हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने मैं भी अपनी कुर्ती कटिंग बताने जा रही हूँ। इसकी लंबाई है 38 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। शोल्डर हमारा 14 इंच है, इसका आधा इंच रखेंगे 7.5 इंच और मोल 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। सीधी लाइन खींच लेंगे, फिर 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए रखेंगे। 9.5 इंच पर हमने चेस्ट का निशान लगाया, 1.5 इंच गुलाई देते हुए आर्मोल को गुलाई देंगे। 13 इंच पर कमर का निशान लगाएंगे। 15 इंच है तो 30 है तो उसका चौथा हिस्सा 7.5 लगाएंगे। 9.5 इंच हिप रखें हम, 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। 3.5 इंच गले की चौड़ाई, 4 इंच लंबाई हमने रखा है। इसको बॉक्स बना लेंगे, गुलाई देते हुए हम राउंड शेप दे देंगे गले के लिए। 3 इंच नीचे सीधे एक लाइन खींच लेंगे, यहाँ से कट करके हम गले का डिजाइन बनाएंगे। सेम मार्किंग को हम मिला लेंगे कटिंग के लिए। यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे ताकि हमारा शोल्डर उतरे ना। अब यहाँ से फिर हम कट कर देंगे। आर्मोल को भी हम कट कर दिए, साइड में भी कट कर देंगे। यहाँ से हम सीधे नीचे काट देंगे। नीचे की तरफ हम काट देंगे, देखिए हमने काट दिया। अब सामने के पल्ले को अलग कर लेंगे और पीछे के पल्ले को अलग कर लेंगे। हमने सामने के पल्ले को अलग कर लिया, यहाँ पे जो हम चीना लगाए थे वहाँ तक कट कर लेंगे। और आर्म होल यहाँ पे थोड़ा कपड़ा जॉइंट था तो उसे कट कर लेंगे। आर्म होल का गुलाई दे देंगे और आगे के हिस्से में छाड़ देंगे ताकि आगे हमारा फुलान ना आए। इस तरह हमारा फ्रंट और बैक दोनों पल्ला कट कर तैयार है। अब बाजू कटिंग करेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। ओपन साइड नीचे रहेगा और बैक साइड ऊपर। 6 इंच लंबा हमें, 5 इंच लंबा बाजू चाहिए तो इसलिए हमने 6 इंच मार्क किया। यहाँ पे इस तरह गोलाई करके आर्म होल का शेप दे देंगे। और मोड़ी हमारी 6.5 इंच है, 1.5 इंच मार्जिन दे देंगे। दोनों निशान को मिला देंगे और फिर हम इसको कट कर देंगे। यहाँ से हम छाड़ देंगे ताकि हमारा कपड़ा बराबर हो जाए। दो पल्ले को उठा करके आगे के हिस्से को हम छाड़ देंगे। देखिए इस तरह ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। बाजू हमारी कट के तैयार हो गई। गले में लगाने के लिए पाइपिंग पूरे पट्टी काटेंगे 1.5 इंच। और भी पट्टी हम काट लेंगे इसी तरह 1.5 इंच चौड़ी। हमारा कटिंग होकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब चलेंगे हम सिलाई करने। सबसे पहले हम बाजू स्टिच करते हैं। देखिए थोड़ा सा फोल्ड करके जितना मार्जिन छोड़े थे उतना सिल देंगे बाजू को। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी आपको समझ में ना आए हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने बाजू यहाँ पे दोनों तैयार कर लिया। अब गले में जो हम निशान लगाए थे उसके लिए हम पट्टी तैयार कर रहे हैं। इसको नीचे की साइड से रख के उल्टी साइड रख करके यहाँ पे सेम सिलाई चला लेंगे।
देखिए इस तरह यहाँ पे नीडल को अंदर ही रखेंगे, फिर घुमा लेंगे कपड़ा ताकि हमारा डिजाइन खराब ना हो और सीधा निकल कर आए। फिर हमको ऊपर सिल के लाल लाना है, बीच में से कट कर देंगे, थोड़ा सा कट लगा देंगे ताकि पलटने में कोई दिक्कत ना हो। हम इसको फोल्ड करके अंदर की तरफ कर देंगे और सिलाई इस पे लगा देंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, प्लीज़ लाइक करें। देखिए इस तरह हम इसको फोल्ड करके बारीक से सिलाई चला लेंगे सामने ताकि हमारा गला बैठ जाए। देखिए इस तरह फिनिशिंग के साथ। अब हम शोल्डर जोड़ लेंगे। दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद अब गले पे पट्टी लगाएंगे। देखिए इस तरह हम पकड़ के डबल फोल्ड करके इस तरह बारीकी से लगाते जाना है। फ्रेंड्स हम पैपिन अंदर की तरफ से लगा रहे हैं ताकि पलट कर फिर ऊपर की तरफ से सिलाई करें। यहाँ पे हम बांधने वाला भी बनाएंगे इसलिए इसमें आसानी पड़ेगी। इस तरह से खींचते हुए बराबर करते हुए एक बराबर सिलाई चलाएंगे ताकि हमारा गला का शेप अच्छा बैठे। देखिए इस तरह हमारा पूरा हो गया और यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा देंगे ताकि गला पलट कर अच्छा आए। इसको फोल्ड करके जो पैपिंग डोरी थी अंदर फोल्ड करके देखिए इस तरह से फिर हम एक सिलाई लगाते हुए आएंगे। बराबर से करते हुए आएंगे ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ डोरी दिखे। यहाँ से कपड़ा अंदर पैपिंग का कपड़ा अंदर करते हुए आएंगे और ऊपर से सिलाई चलाते हुए आएंगे। इस तरह करते हमारा गला तैयार होना चाहिए आराम से दोनों तरफ। देखिए फिर यहाँ पे हम मोड़ेंगे, मोड़कर आराम से इसको अंदर करके इस पर सिलाई चलाते हुए आएंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारे डोर निकल के चली आए। देखिए फ्रेंड्स हमारा डोर बन के नेक तैयार है। अब हम बाजू लगाएंगे, बीचों बीच से हम बाजू लगाएंगे ताकि हमारा जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो वो बाद में निकल जाए। बैक साइड इस तरफ पलट करके हम सिलाई चलाएंगे। इस तरह हमारी दूसरी बाजू भी लगा के हम तैयार करेंगे। तो हमारी दोनों बाजू लग के तैयार हो गई है। अब हम फिटिंग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने मार्क कर लिया है, सीधे मार्किंग पे ही लगाएंगे हम सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे हम सुई को नीचे ही रखेंगे और मुड़ा लेंगे, कपड़े को मुड़ा लेंगे ताकि हमारा शेप
नीचे का अच्छा दामन जो है बन के सही तैयार हो, ऊपर सिलाई करके हम निकाल लेंगे। दूसरी तरफ से फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमने सुई को अंदर रखा और कपड़े को घुमा लिया ताकि हमारा नीचे का कपड़ा सिलने में, चाप बनाने में कोई परेशानी ना हो। फिर देखिए नीचे से इस तरह मोड़ के डबल फोल्ड करके नीचे का चाप बना रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम दामन कैसे चाप कैसे लगा रहे हैं। सही से सुई को अंदर ही हमने नीचे ही कर दिया और फिर चाप को ऊपर उठा के कपड़ा घुमा लिया। फिर दूसरे साइड का भी कपड़ा मोड़ करके हम सिलाई लगा देंगे और फिर यहाँ पे सुई अंदर करेंगे और फिर सिलाई चला देंगे। इस तरह से हमारा एक साइड का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से दूसरी तरफ का भी कर लेंगे हम। दूसरे तरफ का भी हमने सिलाई इसी तरह से लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नीचे की सिलाई बची है तो इसको भी 1 इंच फोल्ड करके आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग फोल्ड कर सकती हैं। हमने अपने जितना मार्जिन छोड़ा था उतना ही किया है। नीचे का भी सिलाई बैक साइड का भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट का कर रहे हैं। फ्रंट का भी हमारा हो गया है। जो पट्टी थी उसमें हम फुलना लगा देंगे। इस तरह से हम दोनों डोरियों में फुलना भी लगा के तैयार कर देंगे। इसको हम छाड़ देंगे और पलट देंगे। सो गाइज हमारा बोटनेक कुर्ती बन के तैयार है। फाइनल लुक यही है। कृपया आप हमारे